तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लक्ष्मण चंदा कास्ट डैडी के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फोर्ड एकोस्पोर्ट SE वेरिएंट, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये वेरिएंट आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये वेरियंट अभी मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। इस गाड़ी के अगर हम एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो फिर पेट्रोल में है ये 10,49,000 एंड डीजल में ये आपको पड़ जाता है 10,99,000 एक्सशोरूम प्राइस में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। यह है फोर्ड एक्वास्पोर्ट SE वेरिएंट का फ्रंट लुक। फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल दी हुई है और बीच में फोर्ड की ब्रांडिंग दी हुई है। एंड बम्पर की बात करें तो फिर आपको ट्राई कलर में इसका बम्पर मिल जाता है, जिससे इसका फ्रंट लुक काफ़ी बोल्ड लग रहा है। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं विद DRLs। उसी के बगल में देखें तो आपको हाई बीम लैम्प दिया हुआ है। नीचे की तरफ देखें तो फिर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं जो हेलोजन में है। तो दोस्तों ये था इसका फ्रंट लुक। चलिए अब साइड में चलते हैं। साइड में चल के देखते हैं इसके अलॉयज। इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील दिए हुए हैं, सिल्वर कलर के अलॉयज हैं। बीच में देखें तो फोर्ड की ब्रांडिंग दी हुई है और इस साइड आप साइड में देखें तो फ्लैडिंग दी हुई है डोर्स के नीचे ब्लैक कलर की। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर्स में मिल जाते हैं। एंड रेयर व्यू साइड मिरर की बात करें तो आपको डुअल टोन विद इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी फोर्ड एक्वास्पोर्ट SE वेरिएंट की साइड लुक। अब बैक में चलते हैं, जो इसे बाकी वेरिएंट से बिल्कुल अलग बनाती है। आप देखेंगे बैक में इसमें पहले स्पेयर व्हील आता था, जो अब SE वेरिएंट में नहीं दिया हुआ। इवन अब स्पेयर व्हील ही आना बंद हो गया है। स्पेयर व्हील ही कंपनी प्रोवाइड नहीं करती इसमें। पूरा कंप्लीट चेंज है इसके रियर प्रोफाइल में। टेल लैम्प्स की बात करें तो मल्टी सेमी स्प्लिट टेल लैम्प्स दिए गए हैं, जो कि बल्ब बेस्ड है। उसके अलावा राइट साइड आपको SE की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड लेफ्ट साइड में देखें तो आपको एक्वास्पोर्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। रेयर में देखें तो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ऊपर की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। बम्पर की बात करें तो आपको इसका बम्पर भी फ्रंट जैसे आपको ट्राई कलर्स में मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे रेयर वाइपर एंड यहाँ देखें तो डिफोगर दिए हुए हैं। स्पॉयलर भी देखिए इसमें इंटीग्रेटेड दिया हुआ है। सेंटर में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है और माइक्रो रूफ एंटीना टॉप में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल ऑफ फोर्ड एक्वास्पोर्ट SE वेरिएंट। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं इंटीरियर एक्सप्लोर करने। देख सकते हैं दोस्तों डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है आपको इसमें। ये देखिए हैंडल इसमें जो है सिल्वर फिनिश में दिए हुए हैं। ड्राइविंग साइड डोर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के स्विचेस दिए गए हैं। चाइल्ड लॉक एंड रेयर व्यू साइड मिरर के भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइविंग विंडो की बात करें तो फिर यहाँ पे आपको वन टच अप एंड डाउन दी गई है विद एंटी पिंच। नीचे की बात करें तो फिर यहाँ पे आपको 1 लीटर बोतल होल्डर एंड मैग पॉकेट दी गई है। आपको इसकी सीट्स जो है वो फाइबर मटेरियल में दी गई हैं। ड्राइविंग सीट जो है वो एडजस्टेबल है, वो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब अंदर बैठ के देखते हैं। इसमें आपको लेदर रैप्ड इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। पावर स्टेयरिंग में आपको लेफ्ट साइड सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स दिए हुए हैं और उसी के नीचे देखें तो आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऐसा कुछ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बीच में डिजिटल डिस्प्ले एंड लेफ्ट साइड RPM मीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर मिल जाते हैं। इस साइड देखें तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर कंट्रोल्स दे रखे हैं और दूसरी साइड फ्रंट एंड रेयर वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग व्हील इसका हाइट एडजस्टेबल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ बीच में दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे AC वेंट्स एंड नीचे AC कंट्रोल्स। उसी के नीचे देखें तो 2 USB पोर्ट्स दे रखे हैं एंड 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट और थोड़ा सा फ़ोन रखने का स्पेस। इंटीरियर में देख सकते हैं आप कई कई जगह ग्लोसी फिनिश दे रखी है। ग्लोबॉक्स की बात करें तो इसमें आपको ग्लोबॉक्स विद लाइट मिल जाता है, बट कूल्ड नहीं है।
दूसरी साइड देखें तो आपको यहाँ पे सारे लाइट कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ देखें तो आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है, और ये आपको सनरूफ ओपन और क्लोज करने का बटन दिया गया है। फ्रंट में आपको 3 लाइट्स भी मिल जाती हैं। ड्राइविंग साइड आपको ना ही वैनिटी मिरर दिया गया है, ना ही टिकट होल्डर, और दूसरी साइड देखा जाए तो आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाता है। ऐसी कुछ आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। नीचे देखा जाए तो आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और इधर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल नहीं है। स्पेस की बात करें आर्मरेस्ट में तो ये काफ़ी डीप है, जो कि बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मेरे को। चलिए अब पीछे की तरफ चलते हैं और पीछे का स्पेस देखते हैं। रेयर में आपको लेगरूम भी काफ़ी सही मिल जाता है, और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी सही है इसका। रेयर में आपको एसी वेंट्स नहीं मिलते जो कि देने चाहिए थे। पीछे से सनरूफ आपको कुछ ऐसी दिखती है। बैक में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। इधर आपको एक रेयर सीट लाइट मिल जाती है। दोनों साइड पिलर्स में आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म और 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रेयर में सीट बेल्ट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, क्रैश सेंसर, EBD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। चलिए अब पीछे की तरफ चल के इसका बूट स्पेस चेक करते हैं। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज बटन दिया गया है बूट ओपन करने के लिए। 352 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। बूट लैंप भी इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपनी ने जैसे कि स्पेयर व्हील अब हटा दिया, अब देना बंद कर दिया, कंपनी उसकी जगह अब आपको एक इन्फ्लेटर प्रोवाइड करेगी जो कि आपकी हेल्प करेगा अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो। और इसमें आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड मिलती है। तो दोस्तों ये था फोर्ड EcoSport का SC वेरिएंट जो अभी लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये नई EcoSport SC वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बताना मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।